Good morning, Vestigians. Welcome to today's e-training session. और हर दिन की तरह आज भी हम अपने बेहतरीन प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग के साथ आए हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है इस ट्रेनिंग का वो है वेस्टीज के हाई वेस्ट वॉशिंग सॉल्यूशंस। तो लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, क्योंकि कपड़े हमारी पर्सनालिटी का एक बहुत ही अहम हिस्सा होता है एंड दैट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस टू क्रिएट अ गुड इम्प्रेशन। एक फ्रेश और क्रिस्प क्लोथ हमारे एक अच्छा इम्प्रेशन देने में बहुत मदद करते हैं और साथ ही साथ हमें एक अच्छा कॉन्फिडेंस भी देते हैं। एंड नॉट ओनली दिस, क्योंकि आजकल के इस सिनेरियो में फ्रेश क्लीन जर्म फ्री कपड़े होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए आज हम बात करने वाले हैं हमारे बेहतरीन प्रोडक्ट्स की, जो है हाई वेस्ट अल्ट्रा मैटिक एंड हाई वेस्ट अल्ट्रा वॉश की। तो फ्रेंड्स, वेस्टीज का एक ही कोर मंत्र है कि कैसे आपको और आपकी फैमिली को गुड हेल्थ एंड वेलनेस के सॉल्यूशंस दिए जाएं। और इसीलिए हमारा होम केयर जो रेंज है वो भी बना है इन दो कोर वर्ड्स से, वेस्टीज जो आपके लिए हमेशा ही वेलनेस सॉल्यूशंस लाता है, और दूसरा है हाइजीन, सो विच इज हाई वेस्ट। फ्रेंड्स, एक और बात है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमारे घर में चाहे हम कितनी भी सफाई कर लें, बट देर आर सर्टन प्लेसेस, कुछ ऐसे कोने हैं जहाँ जर्म्स का पनपना या जर्म्स का हो जाना बहुत ही नॉर्मल है और वहाँ पे जर्म्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, जैसे कि हमारी किचन। किचन में सबसे ज़्यादा जो जर्म्स हैं जहाँ पे होने का खतरा है वो है सिंक एरियाज, क्योंकि वहाँ पे पानी होता है, हमारे झूठे बर्तन होते हैं, अगर वो कुछ देर तक पड़े रहें वहाँ पे जर्म्स बैक्टीरिया का हो जाना सबसे ज़्यादा देखा जाता है। ऐसे ही दूसरा हिस्सा होता है हमारा बाथरूम या टॉयलेट्स, क्योंकि यहाँ पे ये वो हिस्सा है जहाँ पे हम हमारी बॉडी के जर्म्स और ग्रिम्स को रिमूव करते हैं। तो हालांकि ये ऐसा हिस्सा है जहाँ पे मॉइस्चर का होना सबसे ज़्यादा होता है और इसी मॉइस्चर की वजह से जर्म्स का ग्रोथ हो जाना भी बहुत ही कॉमन सी बात है। और ऐसे और कई हिस्से हैं जैसे कि लॉन्ड्री एरिया जहाँ पे हम अपने गंदे कपड़े रखते हैं, जैसे कि दिन भर के पसीने वाले कपड़े, फूड स्टेन्स वाले कपड़े, जिनमें जर्म्स का हो जाना काफ़ी ही नॉर्मल है। हमारे घर में एक और ऐसा हिस्सा है जैसे कि लिविंग रूम, जहाँ पे हम बहुत सारे लोग एक साथ बैठ के टाइम बिताते हैं और वहाँ पे कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम सभी टच करते हैं, तो वहाँ पे बैक्टीरिया और जर्म्स का हो जाना बहुत नॉर्मल सी बात है। और जैसे कि हम अपने घर में एंटर करते हैं लिविंग रूम में, जैसे हमने बताया हम एक साथ बैठते हैं, जैसे कारपेट सोफाज, वहाँ पे हम जर्म्स का होना देखते हैं। तो जैसे कि आपने देखा वो कौन कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे जर्म्स का होना हमारे घर में सबसे ज़्यादा हो सकता है, उनमें से एक जो बहुत इम्पोर्टेंट एरिया है वो है हमारा लॉन्ड्री एरिया, क्योंकि स्पेशली इन टुडेज सिनेरियो हमारे अपने कपड़ों को हर दिन वॉश करना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कोई भी जर्म्स बैक्टीरिया हमारे कपड़ों के साथ हमारे घर में कब एंटर हो जाए। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे फेवरेट प्रोडक्ट हाई वेस्ट अल्ट्रा मैटिक के बारे में। हाई वेस्ट अल्ट्रा मैटिक एक सुपीरियर क्लीनिंग देता है और इसकी सुपीरियर स्टेन रिमूविंग प्रॉपर्टीज हमारे कपड़ों को चमकदार और फ्रेश रखता है, वो भी लंबे समय के लिए। इसका ऑप्टिकल ब्राइटनर हमारे वाइट्स को और वाइट बनाता है और रंगीन कपड़ों को और चमकदार बनाकर एक नया सा लुक देता है। इसका जो एंजाइम है वो फूड स्टेन्स पे काफ़ी टफ है और साथ ही साथ ये एक लॉन्ग लास्टिंग नेचुरल फ्रेग्रेंस के साथ आता है। तो हाई वेस्ट अल्ट्रामैटिक डिटर्जेंट पाउडर एक टफ स्टेन रिमूविंग फॉर्मूला है, ये ब्राइट कपड़ों को और ब्राइट करता है और वाइट्स को और वाइट करता है,
ये एक लॉन्ग लास्टिंग फ्रेश फ्रेग्रेंस के साथ आता है और इसमें ऑक्सीजन पावर है। तो फ्रेंड्स, जब बात की जाए स्टेन्स की, दाग की, तो मैं ये बताना चाहूंगी, हर स्टेन या हर दाग जो हमारे कपड़ों पे आता है वो एक जैसा नहीं होता। कुछ स्टेन्स होते हैं जैसे ऑयली और ग्रीजी स्टेन, कुछ स्टेन्स होते हैं जैसे डाई के स्टेन्स, या कुछ स्टेन होते हैं प्रोटीन और फूड स्टेन्स लाइक ब्लड, मिल्क शेक्स, ग्रेवीज एक्सेट्रा, और कुछ पर्टिकुलर से स्टेन्स होते हैं जैसे धूल मिट्टी के स्टेन्स। तो ये स्टेन्स की प्रॉपर्टीज अलग अलग किस्म की होती है, बट लेट मी टेल यू, जो हमारा अल्ट्रामैटिक डिटर्जेंट है ये एक मिक्स ऑफ पावरफुल एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है जो कि हर टफेस्ट से टफेस्ट स्टेन के ऊपर काफी टफ है और असरदार है। ये इन सारे स्टेन्स को अपनी फर्स्ट वॉश में ही रिमूव करने में सक्षम है। जैसे कि अभी हमने बात की कि हर स्टेन कितना डिफरेंट होता है, हर स्टेन की अपनी प्रॉपर्टी होती है, उसका अपना एक बेसिक नेचर होता है। जैसे कि ऑयली दाग और डस्ट के दाग अलग अलग होते हैं, तो इसीलिए हर स्टेन का ट्रीटमेंट भी अलग अलग होता है। और कई स्टेन्स ऐसे होते हैं जिसे सिर्फ सोकिंग एंड वॉशिंग से ज्यादा एक प्री ट्रीटमेंट चाहिए होता है। तो कुछ टफ स्टेन्स के लिए हमारा अल्ट्रामैटिक एक प्री ट्रीटमेंट के तौर पे भी काम करता है। इसे आप एक पेस्ट बना के थोड़े से पानी में लेके अल्ट्रामैटिक का एक स्कूप डाल के एक पेस्ट बनाइए एंड डायरेक्टली अप्लाई कीजिए उन कुछ टफ स्टेन्स के ऊपर। उसे अप्लाई करके, रब करके, उसे सोक करिए एक नॉर्मल यूजुअल वॉश की तरह, और देखिए ये अल्ट्रामैटिक कैसे कमाल करता है उन टफ स्टेन्स के ऊपर। हमारा जो अल्ट्रामैटिक डिटर्जेंट पाउडर है ये बेस्ट काम करता है ऑन द स्टेन्स लाइक कॉफी, केचप एंड ग्रेवीज। तो दोस्तों, हमारे अल्ट्रामैटिक डिटर्जेंट की एक और खास बात है, इसकी स्टोरेज उतनी ही आसान है जितना दागों से लड़ना, क्योंकि ये आता है एक यूनिक रीसीलेबल पाउच में जिससे हम किसी भी तरह के मॉइस्चर को प्रिवेंट कर सकते हैं हमारे डिटर्जेंट के अंदर। नाउ फ्रेंड्स, अगर मैं इसके एमआरपी की बात करूं तो इसका एमआरपी है 160, इसका डीपी है रुपीज 140, इस पे बीवी मिलता है 84 का एंड इसका पीवी है 4.67 का। लेट्स मूव अहेड, और अब हम बात करेंगे हमारे एक और बेहतरीन प्रोडक्ट जिसका नाम है हाईवेस्ट अल्ट्रा वॉश लिक्विड लॉन्ड्री डिटर्जेंट। ये हमारा बहुत ही बेहतरीन लिक्विड डिटर्जेंट है जो कि काफी इजी है हमारे टफ स्टेन्स पे। सो हाईवेस्ट अल्ट्रा वॉश लिक्विड लॉन्ड्री डिटर्जेंट एक कॉन्सेंट्रेटेड एंटी बैक्टीरियल फॉर्मूला है जो कि आता है एक्टिव एंजाइम टेक्नोलॉजी के साथ, जो कि टफ है और काफी जेंटल है हमारे हाथों और क्लोथ्स पे। और दोस्तों, ये आता है प्रो एंजाइम टेक्नोलॉजी के साथ जो हमारे कलर क्लोथ्स को प्रोटेक्ट करता है और हमारे वाइट्स को और वाइट करता है। इट इज एनरिच्ड विद एंटी फोमिंग एजेंट्स जो कि जिसके इस्तेमाल में हमें कम पानी लगता है एज वी कंपेयर टू द अदर डिटर्जेंट्स एंड लिक्विड्स। इट इज एनरिच्ड विद एंटी बैक्टीरियल नीम एक्सट्रैक्ट। हम सब जानते हैं नीम एक नेचुरल एंटी बैक्टीरियल सोल्यूशन है, और ये दोनों ही मशीन वॉश और हैंड वॉश के लिए उतना ही सक्षम है। अल्ट्रा वॉश लिक्विड लॉन्ड्री डिटर्जेंट को हम कौन से कपड़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं? हमारे कॉटन, सिंथेटिक्स, शिफॉन्स, जॉर्जेट, जीन्स, बेडशीट्स, क्विल्स, इवन फॉर बेबी क्लोथ्स, इन सब के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बट इट इज नॉट सुटेबल फॉर योर वुलन्स एंड सिल्क। तो आइए दोस्तों, अगर हम इसके एमआरपी की बात करें तो इसका एमआरपी है 345, इसका डीपी है रुपीज 300, इस पे बीवी है 180 और इस पे पीवी है 11.25 का। और फ्रेंड्स, इसके साथ ही मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ ऑन आवर प्रोडक्ट डिलीवरी, क्योंकि आपकी सेफ्टी ही हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव है
और इसी के लिए आपको हम विनती करते हैं, अपने ऑर्डर्स को आप प्लेस कीजिए हमारी ऑनलाइन शॉपिंग ऐप पे या फिर हमारी शॉपिंग वेबसाइट पे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू। और आपके कोई भी क्वेरीज या क्वेश्चंस हैं इस प्रोडक्ट से रिलेटेड, डू राइट अस इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू अगेन, विश यू वेल्थ।